तो दोस्तों फाइनली रॉयल एनफील्ड अनाउंस कर दिया है 6 नवंबर को रॉयल एनफील्ड मीटियोर जो है लॉन्च होने वाली है। एंड दोस्तों जो न्यू सीईओ है रॉयल एनफील्ड के विनोद जी, उनने भी अनाउंस कर दिया है कि दोस्तों ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब ये लॉन्च होगी। एंड दोस्तों पहले आप देखिए टीजर, फिर हम बात करते हैं आगे। I hope all of you are staying safe. Ideally, I'd like to do this over a cup of coffee, maybe even a ride perhaps. Unfortunately, given the social distancing norms, we've got to do this digitally. I'm super excited to launch a new vehicle in our portfolio. So join us as we unveil the Royal Enfield Meteor 350. The wait is finally over. तो दोस्तों आपने वीडियो में एक साउंड सुना होगा स्टार्टिंग में जो कि थम्पी साउंड है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रॉयल एनफील्ड है ना थोड़ा साउंड ऑन पे भी वर्क किया हुआ है, तो अच्छा साउंड आ रहा था। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनको भी डाउट था ना कि रॉयल एनफील्ड जो मीटियोर है वो डिले होने वाली है, लॉन्च नहीं होगी 6 तारीख को, उनका डाउट आई होप इस फाइनल अनाउंसमेंट के बाद क्लियर हो चुका होगा। एंड मैंने इस मॉडल के बारे में मैक्सिमम डिटेल जो है ना कवर कर चुकी है अपने प्रीवियस वीडियो में, अभी भी चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो 6 तारीख तो क्लोज आ ही चुकी है, वहाँ पर भी डिटेल मिली जाएगी भाई क्या क्या आने वाला है क्या क्या नहीं आने वाला, उसका रिव्यू भी हम जरूर जल्द ही करेंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको टीजर वीडियो देख के कैसा लगा एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मीटियोर को लेके स्टार्टिंग में, आने के बाद तो ऑब्वियसली शेयर करेंगे रिव्यू व्यू बाकी डिटेल्स भी, बट आने से पहले अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। एंड ये शॉर्ट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जस्ट एक टीजर था जो आपके साथ शेयर करना था। तो दोस्तों यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।